ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पठानकोट से खबर है जहां मिथाइल बैरियर पर रेल से भरे लगभग 150 से 200 ट्रक खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये सारे के सारे क्रैशर हिमाचल से आए हैं और किसी के पास भी एक फर्म अवेलेबल नहीं है। बता दें यहां पंजाब के माइनिंग डिपार्टमेंट के अफसरों ने बैरियर पर अपना नाका लगाया हुआ है, जिस पर उनका कहना है कि जब तक हिमाचल के माइनिंग अफसर पूरी जानकारी नहीं देंगे तब तक गाड़ियां आगे नहीं बढ़ेगी और जानकारी नहीं मिलने पर माइनिंग एक्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक्स फर्म की गल कर रहे हो ना? हाँ जी। एम फर्म के उत्ते सिर्फ 20 टन पास है समान। हाँ जी। 20 टन भर के आंदे अंडरलोड, पंजाब च भी अंडरलोड भेजने सानू आ जी। तुसीं दसो एम फर्म लैके अं 20 टन माल लैके अंडरलोड चल रहे हैं, पंजाब दे विच 53 टन माल लैके आउणगे ते सानू कौन गड्डी साडी ट्रांसपोर्ट नूं कौन किराया दूते, कौन साडा खर्चा चुकेगा? जब पंजाब भी अंडरलोड हो जाए सानू कोई इतराज नहीं है। एम फर्म तो सिर्फ 20 टन पास है, एक्स फर्म तो 20 टन पास है। अभी तो यही मांग कर, प्रशासन यही मांग करते हैं कि साडा जो भी है सोचो, सारे ट्रांसपोर्ट का सोचो, सानू क्यों भुखे मारना, टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं।